बांदा के डिंगवाही में शॉर्ट सर्किट होने से काम कर रहे रेलवे कर्मी बुरी तरह झुलस गया। सहकर्मियों ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भर्ती किया गया। आपको बता दें पूरा मामला डिंगवाही रेलवे स्टेशन का है, जहां रेलवे में काम कर रहे रघुनंदन उम्र 40 साल शॉर्ट सर्किट होने से बुरी तरह झुलस गए। इसके बाद उसके साथ काम करने से सहकर्मी ने तत्काल उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक होने पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं साथ काम कर रहे कांता प्रसाद ने बताया कि ओएचई पावर ब्लॉक में 5 लोग काम कर रहे, तभी शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसमें 4 लोग बाल बाल बचे। एक व्यक्ति उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया, तभी उसे अस्पताल लाए। हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। सभी लोग रेलवे कर्मचारी हैं जो ड्यूटी में डिंगवाही में काम कर रहे थे। वहीं घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है भैया आपका? कांता प्रसाद। कहाँ के रेलवे वाले हैं? हम लोग यहीं बांदा जिले के रहने वाले हैं। बांदा जिले के, ये कौन है आपके? ये हमारे सहकर्मी है जी। सहकर्मी। क्या नाम है इनका? इनका रघुनंदन सिंह पटेल। क्या हुआ आपका? ओएचई में काम कर रहे थे। काम कर रहे थे कहाँ पे? डिंगवाही में। तो यानी कि कोनो पावर ब्लॉक रेलवे वाला, रेलवे का रेलवे एम्प्लाई है हम सभी लोग। अच्छा अच्छा। तो दो एमसीएम थे, दो लोग हेल्पर थे और एक ग्रेड टू टेक्नीशियन और एसएससी श्री सी बी सिंह सर। तो काम करते हुए झुलस गए? हाँ, ब्लॉक से काम कर रहे हैं। तो कितने लोग झुलस गए इसमें? 5 लोग झुलस गए, और 4 लोग जो है झुलसने से बच गए। आप लोग ये प्राइवेट है, सरकारी है? सरकारी कर्मचारी है। सर एक मामला आया है बरम के, रघुनंदन आपके भक्ति जी की उम्र करीब 40 साल है, ये गंभीर हालत में जरी व्यवस्था में आए हैं। ये उनके परिजन बता रहे हैं कि ये डिंगवाही में रेलवे में काम करते हैं, तो वहीं शॉर्ट सर्किट से जो है आग लगी है, उससे जो है जल गए हैं। मरीज की भर्ती कर लिया है, इसके बाद हायर सेंटर में रेफर कर दिया है, क्योंकि उनकी हालत ज़्यादा गंभीर थी। कितना परसेंट जला हुआ है? करीब 70%।